हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम चल रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। देखो 11 12th के लिए हमारी क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, हम उसी को जानना चाहेंगे। अभी बस उसी को हमको जानना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस कुछ बताया था, और मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आपको बताई थी, काफी अच्छी थी। और उसका जो पहला पॉइंट था, एटम कैन नॉट बी सब डिविजिबल। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत है। एटम को डिवाइड कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया गया, तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एटम का रिप्रेजेंटेशन, उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटम के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब एटम का रिप्रेजेंटेशन भी था, और एक यहां पर था अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। स्पेस में मैंने आपको बताया था, जे.जे. थॉमसन इन सब ने आपके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बताए। लेकिन उससे पहले एटम, एक्चुअली में एटम का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग समझते हैं, देन आफ्टर हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एटम का रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो एटम का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं बेटा? देखो, एटम का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका सिंपल, समझना। यहां पर मैंने एक्स कोई मैंने मान लिया एक्स, यहां पर मैं लिखता हूं एटॉमिक मास और मास नंबर में काफी डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या? मास नंबर। यहां पर क्या होता है बच्चों हमारा? मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास। गलती से भी आप लोगों को क्या नहीं बोलना है यहां पर? एटॉमिक मास आप लोगों को नहीं यूज करना है, ठीक है? एटॉमिक मास आप लोगों को यूज नहीं करना है। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? एटॉमिक नंबर। अब बात यही ये आपके सामने आई कि एटॉमिक नंबर होता क्या है सर, और मास नंबर क्या होता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने भी और मेरे सामने भी, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। तो एटॉमिक नंबर के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या होता है, हमारे पास इतने सारे एटम है, सबको असाइन कर दिया गया है, सबको एक नंबर से असाइन कर दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 है। अब तुम लोग सोचोगे कि 8 नंबर का जो एलिमेंट है उसका एटॉमी वो कौन सा एटम है? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। तो हर एक पर्टिकुलर एटम को स्पेसिफाई कर दिया गया है, हर एक पर्टिकुलर एटम को उसके एटॉमिक मास से, वो एटॉमिक नंबर से स्पेसिफाई कर दिया गया है। और एक्चुअली में जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो नोटेशन होता है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ए से। तो एटॉमिक नंबर हमारा होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दिस एटम। उस एटम में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर एटॉमिक नंबर इज एन एलिमेंट। यहां पर हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यहां पर समझना, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is equal to the proton present in nuclei of an atom। मतलब बात सीधी सीधी ये है कि मैंने घुमा के थोड़ी डेफिनेशन लिखी है, आप लोगों को मैं सीधे तरीके से बताता हूँ, सीधे तरीके से समझना। एक्चुअली में जो जनरल जो एटॉमिक थ्योरी है उसी के बेसिस पे हम चलते हैं। तो जनरल एटॉमिक थ्योरी क्या आई कि आपका एटम दो पार्ट में बटा हुआ है। आपका एटम कितने पार्ट में बटा हुआ है बच्चों? दो पार्ट में। अभी थोड़ा सा जान लो फिर मैं आपको बताऊंगा। आपका एटम आपके दो पार्ट में बटा हुआ है इस तरीके से, आपका एटम दो पार्ट में बटा हुआ है। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और जो आउटर स्पेस पार्ट है इट इज कॉल्ड ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। जहां पर आपका क्या करता है? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं बच्चों, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आप समझना जो ऑर्बिट होता है, यहां पर ऑर्बिट होता है, आप ध्यान से समझना, कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेंटर होता है एटम का, जो सेंटर होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका प्रेजेंट होता है। तो सिंपल बात है, यहां पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो आप डेफिनेशन समझो, क्या बोला है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। उसी एटम का, उसके उसके एटम के न्यूक्लियाई में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो आपका क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं, अब हमारी मुसीबत, दूसरी मुसीबत हमारी मास नंबर। पहली मुसीबत तो सॉल्व हुई, दूसरी मुसीबत है हमारी मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर एक्चुअली में बोला जाता है, मास नंबर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ एन एटम इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब क्या समझ में आ रहा है, मास नंबर आपका क्या होता है, मास नंबर किसी भी एटम का वो होता है जो आपका समेशन होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, सिंपल लग रहा है मुझे, मुझे तो इजी लग रहा है, आप लोग समझो, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, एक एटम के अंदर क्या क्या कंटेन होता है, एटम आपका क्या क्या कंटेन करता है, जनरली आपका एटम क्या क्या कंटेन करता है, जनरली एटम के अंदर क्या क्या होता है, जनरली एटम हैज थ्री पार्टिकल्स। अभी मैं थ्री पार्टिकल्स के बारे में बता रहा हूँ, एटम हैज थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो मास नंबर, ठीक है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास है, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा जो कि मास नंबर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। एक्चुअली में समझना, मैं आपको बताता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। बहुत कम मास है, बहुत ज्यादा कम, 10⁻³⁻। अब मास ऑफ प्रोटॉन ये भी काफी कम है, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या होगा, 1.67 × 10⁻²⁷ kg। अब बात समझो, जनरली आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत ऐसा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काफी ज्यादा कम है, 10⁻³⁻ के ऑर्डर में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काफी लेस है, तो हम यहां से क्या समझ में आया हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन किसके, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास क्या है बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास को क्या कर सकते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग बहुत ही इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने स्पेसिफिकेशन क्या बना, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। इसका मतलब जेड जो आपका एटॉमिक मास है वो आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, जेड आपका किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, ठीक है। और जो आपका मास नंबर है, मास नंबर आपका किसके इक्वल होगा, मास नंबर को हमने किससे डिनोट करते हैं, ए,
जो कि क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपका, अब आपको समझ में आ गया ए क्या है बच्चों, पी प्लस एन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन के इक्वल है, और जेड जो आपका मास नंबर है, जेड जो आपका एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। समझना, इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मास किसी भी एटम का मास आपका सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, इस चीज को जान लो आप लोग, काफी इजी है। अब हम रिप्रेजेंटेशन पे, तो मैंने आपको बता दिया रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। आपके माइंड में एक डाउट आया होगा, सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपने प्रोटॉन बता दिए, न्यूट्रॉन बता दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो समझना यहाँ पर, अगर मैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके दो टाइप के होंगे, समझना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसको दो तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आपका एटम क्या हो, न्यूट्रल एटम हो, क्या हो, न्यूट्रल एटम हो, और एक कौन सा हो बच्चों, आपका चार्ज्ड एटम हो, कौन सा एटम हो, चार्ज्ड एटम। चार्ज एटम का मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज हो, या तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो बच्चों, माइनस चार्ज हो, या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो, या तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो बच्चों, माइनस चार्ज हो, ठीक है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में क्या होता है बच्चों, जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, मास नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होता है, मास नंबर के इक्वल, सॉरी मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है जेड। लेकिन चार्ज एटम में क्या होता है, चार्ज एटम में आपके दो टाइप के स्पीसीज आते हैं, एक आपका आता है एनायनिक स्पीसीज, एक आता है आपका एनायनिक, और एक आता है आपका कैटायनिक। अब कैटायन का मतलब क्या होता है, कैटायनिक, इसको बोलेंगे कैटायन बोल दो, इसको बोल दो एनायन, ज्यादा सही रहेगा। अब कैटायन और एनायन का मतलब क्या होता है, कैटायन का मतलब क्या होता है और एनायन का मतलब क्या क्या होता है, अब आपको जानने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला किसी एटम के ऊपर अगर मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कैटायन। किसी एटम के ऊपर मैंने लगा दिया एक्स टू प्लस, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कैटायन, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल में बोलना चाहूँ कि अगर मैं बोलना चाहूँ एन ए प्लस एम जी प्लस टू, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस टू लगा दिया, ठीक है। अब समझना यहाँ पर एनायन क्या होगा जी, जैसे किसी एटम के ऊपर माइनस चार्ज हो, या फिर माइनस टू चार्ज हो, ये सब आपके होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे ओ टू टू माइनस, और क्या होगा एस टू माइनस, एन थ्री माइनस, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे, जनरल एग्जाम्पल होंगे। अब आपको समझना है कि एक्चुअली क्या होता है, वो एनायन हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड इज कॉल्ड एनायन, या फिर हम सिंपल बोलते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एनायन, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड कैटायन। ये मैंने आपको बताया, देखो सब पर आप लोग समझ सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड कैटायन एंड एनायन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जनरली एक पॉइंट आप लोग ध्यान से समझो कि आपका जो प्रोटॉन होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बात समझना
अब प्रोटॉन कहाँ होता है? सेंट्रलाइज। हम केवल और केवल we can remove and add only इलेक्ट्रॉन्स। हम केवल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिमूव एंड ऐड एनी प्रोटॉन। हम प्रोटॉन को ना तो ऐड कर सकते हैं, वी कैन नॉट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर साथ ताकि आपको समझ में आ जाए, वी कैन नॉट रिमूव एंड ऐड एनी प्रोटॉन। हम क्या नहीं कर सकते बेटा, प्रोटॉन को ना तो हम रिमूव कर सकते हैं ना तो हम ऐड कर सकते हैं, बट हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं। अब कोई भी स्पीशीज आपका पॉजिटिव चार्ज कैसे बना होगा, सोचो पॉजिटिव चार्ज कैसे बना होगा? जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि जब उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया होगा तभी वो पॉजिटिव चार्ज बना होगा। इसका मतलब जितने भी आपके कैटायन होते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आया, जितने भी आपके कैटायन होते हैं उसके अंदर क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके ज्यादा होंगे किससे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां समझ लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके ज्यादा होंगे बच्चों यहां पर किससे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यहां पर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट यहां पर आपका माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कम हो जा रहा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके किसको दिखाता है, न्यूट्रल एटम को। इसका मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है, मतलब इसका मतलब अगर जब भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, मतलब माइनस चार्ज आए, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या किया गया है बच्चों, यहां पर इसका मतलब कि क्या किया गया बच्चों, यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किया गया यहां पर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया गया। और यहां पर क्या किया गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज लाना होता है तो क्या करना पड़ता है, हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, और कहीं पर भी मुझे अगर नेगेटिव चार्ज लाना रहता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया गया है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। चलो अभी हम समझते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपको निकालना है। तो देख लेते हैं, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अब आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, उससे समझ में आप लोगों को आ जाएगा। देख लेते एग्जाम्पल, अब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो एटम के बारे में मैंने आपको आप लोगों को पूरा बता दिया। अब हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इन फॉलोइंग। पहला मैंने लिया 6C2L। अब यहां पर 6C2L एटम का रिप्रेजेंट किया है मैंने, एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया है। 6C2L का मतलब क्या होगा, 2L उसका क्या होगा बच्चों, मास नंबर। तो A जो मास नंबर है, A मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका क्या होगा, 2L। और मास नंबर किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल। ये बात क्लियर हुआ। अब जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है बच्चों आप लोगों के यहां पर, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एटॉमिक नंबर ना वो प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ दिस एटम। तो हाउ मेनी प्रोटॉन, यहां पर 6, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, प्रोटॉन के इक्वल। और ये किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहां पर जेड,
अगर मैं ए में से जेड को माइनस करूं, मतलब 12 माइनस 6 करूं, तो मेरे पास प्रोटॉन से प्रोटॉन तो चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6, जो कि आपका क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे 12 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। मुझे किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 12 में से 6 को माइनस करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है। बोलो, हाँ ये मॉलिक्यूल आपका क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल एटम में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल एटम में जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो आपका कितना हुआ बच्चों, देखो आप लोग, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितना हुआ, 6 हुआ, तो इसका मतलब 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा, 6। तो आपको अभी यहाँ पर पता पड़ गया कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ये पहला एग्जाम्पल था। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, देख लेते हैं। अगर मैं लिख दिया यहाँ पर एन 3 माइनस, इसका 14, इसका 7। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पर ए आपका कितना मास नंबर है, यहाँ पर मास नंबर कितना है बच्चों, इसका 14। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना बहुत इजी है। अब इसके बाद मुझे जेड क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये क्या है, 7, जो कि आपके किसके इक्वल है बेटे बच्चों, डेफिनेशन को देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अब मुझे ये बताओ, जब मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का एडिशन 14 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है 7 आ जाएगा। तो यहां पर मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरा कितना आ गया बच्चों, ऑब्वियसली बात है यहां पर कितना आ गया, 7 आ गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर कैसा है, माइनस चार्ज स्पीसीज है, मतलब आपका जो स्पीसीज है वो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कैटायन है कि एनायन है, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, एनायन, ये अपने आप नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका एनायन, ये आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, खुद में आपका एनायन, ये यहाँ पर आपका एनायन होगा। क्लियर हुआ बात, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये खुद में आपका क्या होगा बच्चों, आप लोगों का एक एनायन होगा, खुद में एक लोग क्या होगा, एनायन होगा। और मैंने आप लोगों को एनायन में बताया है कि एनायन में आपका क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एड करते हैं या रिमूव करते हैं। तो आप लोगों को लास्ट में मैंने बताया था, जब भी आपका एनायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग एड करते हैं। तो यहाँ पर कितने एनायन है, 3 माइनस है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। समझ में आया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा न्यूट्रल के कंपैरिजन में। तो इफ अगर ये यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये आपका न्यूट्रल एटम होता तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता, न्यूट्रल एटम होता तो आपका ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आता, मतलब 7। लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो यहाँ पर एनायन है, कितने एनायन है, यहाँ पर 3 माइनस है, तो यहाँ पर थ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल एड, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एड होगा। हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, 7+3 मतलब आपका कितना हो जाएगा 10। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए मुझको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। काफी इजी है, काफी इजी है। सब एटम को अपने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि मैं आपको आगे की क्लासों में पीरियोडिक टेबल में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आप लोग पहले इसको अच्छे से करो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो इसके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ बच्चों, सभी को होमवर्क क्वेश्चन डेली का डेली मुझे बताना है, ठीक है ना। तो 15P 31 इसमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों बताने। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन S2-, इसका 32 इसका 16, ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। और थर्ड में बता देता हूँ, यहाँ पर 11Na23 और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो हाँ, किसी किसी बच्चों के माइंड में आ गया होगा इन दो क्वेश्चन के देख के कि 6 का AA 12 और 7 का AA 14, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा किसी किसी एलिमेंट के साथ जरूरी है, ऐसा किसी किसी एलिमेंट के साथ जरूरी है, ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ऐसे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन एनी एलिमेंट, ठीक है। अब हम चालू करते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप, आइसो ग्रुप, आइसो रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ आपके रिलेशनशिप होते हैं, आइसो सीरीज होते हैं, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आइसो सीरीज लिखवाता हूँ आप लोगों को। आइसो सीरीज, आइसो सीरीज, ठीक है, आइसो सीरीज। अब मैं आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगा, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉन्स, ये सब आपके आइसो सीरीज है। तो सबसे पहला आइसो सीरीज की हम बात करते हैं, किसकी, फर्स्ट आइसो सीरीज हमारा क्या होगा बच्चों, आइसोटोप। पहला आइसो सीरीज हमारा क्या होगा, आइसोटोप। अब आइसोटोप हमारा क्या होता है बच्चों, आइसोटोप क्या होता है बच्चों हमारा, ये आपको जानने वाला सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आइसोटोप हमारा क्या होता है, काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है, तो आप लोग समझ जाओगे। आइसोटोप हमारा होता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर, यही लिख देता हूं मैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर, नहीं आया समझ में, विद डिफरेंट मास नंबर। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों कौन सा, 1H1 1H2 1H3। अब देखो यहां पर एटम कौन है, यहां पर H का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो यहां पर एटम कौन है, यहां पर एटम सारे हाइड्रोजन ही है, सारे एटम आपके कौन है, हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं देखूं इसका मास नंबर कितना है 1, इसका मास नंबर कितना है 2, इसका मास नंबर कितना है 3, तो यहां पर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद द डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड व्हाट, आइसोटोप। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसका लेना चाहूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, यहां पर AO16 AO17 AO18। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ओ का मतलब क्या होता है बच्चों हमारा, ऑक्सीजन। अभी धीरे धीरे आप लोगों को आएगा बच्चों, एटम कौन सा बच्चों यहाँ पर हमारा, ऑक्सीजन है। एटम कौन सा हमारा यहाँ पर, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का ही है सब कुछ। अब इसका डिफर कहाँ कर रहा है बच्चों, देखो मास नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आइसोटोप। तो ये तो था हमारे आइसोटोप के बारे में। अब हम समझते बच्चों आइसोबार के बारे में, किसके बारे में, आइसोबार के बारे में। अब आइसोबार हमारा क्या होता है बच्चों, समझते अब आइसोबार क्या होता है बच्चों हमारा, समझना। यहां पर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सिमिलर मास नंबर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सिमिलर मास नंबर, एटम ऑफ
डिफरेंट एलिमेंट विद सिमिलर मास नंबर। यहां पर मास नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि एग्जांपल के पर्पज से ऑर्गन 40 18, कैल्शियम 20 40। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों यहां पर एटम जो है, यहां पर ऑर्गन है, यहां पर एटम कौन सा है बच्चों, ऑर्गन है। ध्यान से देखो, ये एटम कौन सा है बच्चों, हमारा ऑर्गन है, और ये एटम हमारा कौन सा है बच्चों, कैल्शियम है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब देखो सिमिलर मास नंबर, अब देखो मास नंबर इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोबार। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोबार। हम इसको क्या बोलने वाले, आइसोबार बोलने वाले, ठीक है। हम इसको यहां पर क्या बोलने वाले, आइसोबार। अब एक और सीरीज होता है हमारा आइसोटोन, हमारा एक और पॉइंट होता है बच्चों आइसोटोन। तो देख लेते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो आइसोटोन, आइसोटोन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको बोलेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब आप न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बात। तो हमको न्यूट्रॉन निकालना, जो पहले क्वेश्चन में बताया था उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर 21 स्कैंडियम यहां पर आपका हो जाएगा, जैसे कोई एलिमेंट मैंने बोल दिया यहाँ पर, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 50 + 32, ठीक है, हाँ, पी 31 - 15 और सल्फर 16 - 32। अब आप इन दोनों में आप लोग चेक कर सकते हो, जो ऊपर वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है, और ये मास नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा जल्दी बोलो, ये हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो बचेगी क्या, यहां पर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया बच्चों, यहां पर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया 16, और यहां पर भी अगर आप निकालना चाहोगे तो यहां पर भी आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 16। तो यहां पर दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए बच्चों, 16। तो इसका मतलब ही इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको ध्यान से निकाल के देखिए बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो आपको 100% डैम श्योर आप लोगों को ये चीजें समझ में इजिली आ जाएगी, ये चीजें आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, एटम ऑफ, यहां पर वो बोल सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बोल सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं Na प्लस और मैंने बात किया F माइनस और मैंने बात किया यहां पर नियोन, अब नियोन का एक्चुअली यहां पर लिख देता हूं मैं, ये इसका होता है 10 और यहां पर 20, ठीक है, इसका होता है बच्चे यहां पर 9 और यहां 19, यहां होता है 11 और यहां 23। अब देखो बच्चों, न्यूट्रल स्टेट में आपका क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, मतलब 11 होगा, लेकिन प्लस 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है, बाहर निकाला है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है न्यूट्रल स्टेट से, न्यूट्रल स्टेट में कितने होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
तो न्यूट्रल स्टेट में आपके 9 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड किया गया मतलब 10। अब इसमें न्यूट्रल स्टेट में 10 है, ये खुद ही आपका न्यूट्रल स्टेट में, तो यहाँ पर 10, तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या है बच्चों, सेम है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगला देखते हैं बच्चों, अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आइसो स्टेयर्स, जिसकी ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हम लोग देख लेते हैं आइसो स्टेयर्स, आइसो स्टर्स। अब आइसो स्टर्स क्या होगा बच्चों, आइसो स्टर्स आपका वो होगा, वो कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे, कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे, ठीक है। आइसो स्टेट्स क्या होंगे, कंपाउंड होंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पर आइसो स्टेट्स में कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लेते हैं, समझ लेते हैं N2O और CO2। अब थोड़ा गौर करो इसमें कितने एटम है, आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसमें कितने एटम है, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एटम है 3 एटम्स, इसमें आपके 3 एटम्स है, इसमें भी आपके 3 एटम्स है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इलेक्ट्रॉन भी आपके सेम होने चाहिए, नाइट्रोजन में न्यूट्रल स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ये आपको धीरे धीरे याद होगा। तो अभी थोड़ा ध्यान रखो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं, और कार्बन में 6 होते हैं। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में, नाइट्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर बता देता हूं, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो न्यूट्रल स्टेट में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर आपका अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो अगर न्यूट्रल स्टेट होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 7 14 14 प्लस 8 14 प्लस 8, यहां पर 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां चेक करते हैं 6, ये 8 8 16 प्लस 6, यहां पर भी 22 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो यहां पर सेम नंबर ऑफ एटम है, मतलब ट्राइएटॉमिक है, 1 2 3 3 एटम है, तो 3 एटम 3 एटम, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी आपका सेम हो गया। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। हम एग्जांपल कम लेंगे लेकिन कंसेप्ट को ज्यादा समझेंगे, ये आप लोगों को ऐसे ही याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आप देख लेते हैं आइसोडाइपर, लास्ट जो इसका है मॉडल आइसोडाइपर। आइसोडाइपर होता क्या है, आइसोडाइपर आप लोगों का होता क्या है बच्चों, आइसोडाइपर आपका होता है स्पीसीज, यहां पर समझते हैं स्पीसीज, यहां पर लग देते हैं हैविंग सेम आइसोटोपिक, यहां पर स्पीसीज, हाँ स्पीसीज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन माइनस पी, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन माइनस पी, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, आपके क्या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, वो आपके क्या होते हैं आइसोडाइपर्स। एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूं थोड़ा सा, यहां पर यूरेनियम 288, यूरेनियम 238, 92 और थोरियम का क्या लूं मास, 2 मिनट, थोरियम का लेता हूं 234 और ये 90 और 234। अब चेक करो, अगर मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, सबसे पहले आपको n माइनस p की वैल्यू निकालनी है, तो न्यूट्रॉन निकालो या तो आप प्रोटॉन निकाल लो, तो मैं यहां पर न्यूट्रॉन निकाल लेता हूं, या तो मैं यहां पर प्रोटॉन निकालता हूं, तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 238 माइनस 92, यहां पर न्यूट्रॉन कितने होंगे 234 माइनस 90। अभी मैं थोड़ा सा नीचे वाला रब कर देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नीचे वाला रब कर देता हूं, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये सीरीज। अब देखो यहां पर 234 माइनस 90, यहां पर अब यहां पर ये कितना आ जाएगा 146 और ये कितना आ जाएगा 144। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, तो यहां पर कितने प्रोटॉन है 92 और यहां पर कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रल है ना, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, बात क्लियर है।
ये हो गया। अब यहाँ पर n माइनस पी की वैल्यू निकालो तो 146 माइनस 92, और यहाँ पर भी निकालो कितना आएगा 144। यहाँ पर n माइनस पी की वैल्यू निकालो तो n माइनस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 146 माइनस 92, यहाँ पर n माइनस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 माइनस 90। जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो यहाँ पर भी 54 आएगा, यहाँ पर भी 54 आएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हुए, आइसोडाइपर्स हुए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा आइसोडाइपर्स, आइसोटोन, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोस्टेयर्स एंड एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेते हुए आगे के एटॉमिक मॉडल के बारे में समझेंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।